हेलो हेलो हेलो, वेलकम 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 दोस्तों, वेलकम टू एंड गेम नंबर 65 ऑफ 100 एंड गेम्स यू मस्ट नो। तो यार देखो, पहले तो बैकग्राउंड वगैरह सब छोड़ो, लाइट लुइट है नहीं है, बहुत देर से कट लगा हुआ है, तो जबरदस्ती इसमें आज ऐसे ही चलाओ। बैकग्राउंड छोड़ो, अपने को बैकग्राउंड से क्या लेना देना, अपने को सीखने से मतलब है, ठीक है? क्योंकि अब्राहम लिंकन ने भी स्ट्रीट लाइट के अंदर पढ़कर ही वो बना था प्रेसिडेंट, ठीक है? तो बस मुझे नहीं पता मैंने क्यों बोला, बट ठीक है। देखो बेसिकली आज की इस एंड गेम में अपन बात करेंगे रुक्स पॉन की। रुक्स पॉन यानी क्या? रुक वाला पॉन, यानी कि ए पॉन हो गया या एच पॉन हो गया। आज अभी तक जितनी भी एंड गेम पढ़ी हमने, हमने बी से लेके जी पॉन तक की बात की है, बेसिकली सेंट्रल चीज। क्योंकि तुमको पता है ऐसी अगर साइड में जाओ, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। सो रुक्स पॉन में ऐसा क्या है भाई? बस रुक्स पॉन में आप पिलीडोर, लूसीना एंड के एंड एच एंड ऑल नहीं लगा सकते हो, ठीक है? रुक पॉन ना साइड से निकलने की जगह नहीं होती है। इसके लेफ्ट में जगह दिख रही है तुमको? नहीं दिख रही ना भाई? ये क्या खुल गया भाई? सॉरी सॉरी चैट, कुछ तो खुल गया ये मेरे सामने। हाँ ठीक है, देखो बेसिकली तुम्हें क्या करना है, ब्लैक टू मूव है एंड इजी ड्रॉ है। कैसे ड्रॉ है, बस तुम्हें टेक्निक पता होना चाहिए। देखो पहले तो छठे रैंक पर तुम जा नहीं सकते, इस रैंक पर तुम नहीं जा सकते। क्यों? लेट्स से अगर तुम जाते हो तो भैया चेक पर जहां मर्जी जाओ, क्वीन प्रमोट हो रही है एंड वाइट इज कम्प्लीटली विनिंग, तो ये तुम सिक्स रैंक पर तो कहीं पर जा नहीं सकते, ठीक है? सिक्स रैंक पर जाना कैंसल। अभी क्या, किंग को यहाँ पे लाए, पास में लेके चलते हैं। क्यों भाई? किंग एक्टिव करते हैं, पर किंग एक्टिव करना बहुत गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही ब्यूटीफुल टैक्टिक है, यू कैन गो किंग एच इट। अगर वो किंग को कहीं भी, अगर वो किंग मूव करता है कहीं पे भी, लेट से जहां मर्जी जाए कहीं पे भी, तो अपना क्वीन प्रमोट हो रही है। एंड अगर वो रुक से मार लेता है तो भैया तुमको पता है, रुक H7 एंड यू विन द रुक एंड यू आर कंप्लीटली विनिंग अगेन। तो भैया अगर हमें किंग भी एक्टिव नहीं करना, किंग को सिक्स रैंक पर भी नहीं लेके जाना, तो क्या हमें रुक से खेल खेलना है? रुक से क्या खेल खेलोगे? रुक तो तुमको पीछे तक रखना ही पड़ेगा। अगर कहीं ऐसी वैसी फाइल में खेला तो भैया, भैया अगर तुम सोच रहे हो कि इसको चेक दें, देते रहो चेक, मैं ऊपर भागता रहूंगा, क्या कर लोगे? ये लो भैया चेक चेक। अब तुम मग दिए, अब तुम मग दिए हो। क्यों भाई? क्योंकि तुमने किंग को ज्यादा ही एक्टिव नहीं करवा दिया उसका, तो अभी उसका मूव है, लेकिन समझ लो अभी मूव उसका है, दैट्स द थिंग। और कोई चक्कर नहीं है यहाँ पर, तुमको पता है विनिंग है वाइट। कैसे? किंग H8। अभी क्या करोगे? नेपना सीधा सीधा थ्रेट है यहाँ पे प्रमोट करना है, अगर तुम चेक देने का सोचते हो भैया। कुछ कुछ नहीं हो रहा है, किंग C6, रुक C1 चेक, कोई दिक्कत नहीं है, किंग D5। अब मैं वापस आ जाऊंगा, मेरे को दिक्कत नहीं है, तो जितने मर्जी चेक देते रहे, अपना काम हो चुका है। बस तूने टेम्पो लूज किया है भाई, तूने टेम्पो लूज किया। किंग D5, किंग E4 या C4, व्हाटएवर, वेयर एवर यू वांट टू गो, चेक इधर अब कहाँ जाएगा? अब कहाँ से चेक आ रहा है भाई? अब वो तुमने तो बेसिकली, अब तो तुम कुछ कर नहीं सकते, यहाँ पे जाओगे, ये लो भैया प्रमोट। बेसिकली अगर तुम्हें रुक से भी कुछ नहीं करना, क्योंकि तो अगर कहीं और जाओगे तो कुछ नहीं होगा ना, वो भी तुमने देख लिया, तो करें तो करें क्या भैया? तुमने देखा जब हम रुक को यहाँ लेके जाए थे, सारी फसाद की जड़ थी रुक H8। उसके बाद अपन यहाँ पर जा रहे थे, पॉन प्रमोट कर रहे थे। अगर हम भैया रुक H8 रोक दें तो कैसा रहेगा? रुक H8 कैसे रोका जाएगा? किंग G7, सॉरी किंग G7 खेल के अब कोई रुक H8 नहीं आ रहा है, सो इट्स वेल प्रोटेक्टेड। तुम चेक दे के ये भी नहीं कर सकते, बिकॉज अगर तुमने चेक दिया तो ऑब्वियसली आई टेक ना, ये तो हैंगिंग ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। किंग G7 इज द करेक्ट मूव। अभी क्या है भाई? अभी क्या, अगर वाइट सोचता है कि भैया अपन तो यहाँ से जाएगा, अपन तो यहां से जाएगा, एक्टिव करेगा, पुश कर देगा, प्रमोट कर देगा भाई, बट ये ऐसा हो? अगर तुम सोच रहे हो
किंग अगर अपन रुके एक और खेल इसकी फाइल कट कर लें तो शायद हो सकता है। तुम अगर तुम ये तो भाई ये आइडिया इतना इफेक्टिव नहीं है। क्यों नहीं है मैं तुमको मैं बताता हूँ। देखो बेसिकली आने दो, तुमको क्या है तुमको यहाँ पे वेट करनी पड़ेगी बिकॉज यू शुड नेवर अलाउ रुकेचेट, उसको अलाउ नहीं करने के लिए तुमको यही दो स्क्वेयर्स में घूमना पड़ेगा G7 एंड H7। यहाँ चल रहा है कहानी चल रही है ठीक है। अभी अभी क्या ऊपर जाओगे या नीचे जाओगे? जहां मर्जी जाओ वो बंदा घुस जाएगा यहाँ पे। अब तुम कहीं से कुछ नहीं कर सकते राइट। रुक ये यहाँ पे जाओगे किंग B4 चेक C5 चेक यहाँ पर चेक। ऑल्दो कुछ हो नहीं रहा है बिकॉज तुमने रुक H8 प्रिवेंट कर दिया है। ये इट इज ऑल्सो स्टिल अ ड्रॉ बट दिस इज नॉट दैट वेल। ठीक है ड्रॉ तो होगा बट इट्स नॉट लाइक, मेरे कहने का मतलब भाई क्यों करना है तुमको यहाँ से क्यों करना है तुमको? सिंपल अपन पता क्या कर सकते हैं, मैं तुमको कहता हूँ। ये तुमने प्रिवेंट किया रुक G8, उसको जाने दो ना जा रहा है तो, उसको जाना है जाने दो, अपना क्या जा रहा है हमारा क्या जा रहा है जाने दो। अब एक बार यहाँ पहुंच गया अब चेक देते रहो जहाँ मर्जी जाए, देते रहो चेक भैया देते रहो चेक, इट इज अ ड्रॉ जहाँ मर्जी जाए। ज्यादा नीचे आ रहा है आने दो अपन वेट कर लेंगे अपने को। हालांकि चेक भी तुम दे सकते हो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे चेक देने में भाई। ज्यादा नीचे आ जाएगा ऊपर ले जाना रुक को, लेकिन ए फाइल से हटना नहीं चाहिए रुक, समझ रहे हो? दैट्स द थिंग। और बाकी इसको यहाँ पे मूव करते रहो। इट इज अ ड्रॉ यू कैन नॉट, वाइट कैन नॉट मेक एनी प्रोग्रेस। सो आई होप तुम्हें अच्छा लगा होगा आज का एंड गेम। क्या ही अलग टैक्टिक्स होती हैं इसमें ए फाइल में एच फाइल में यानी कि रुक स्पॉन में बेसिकली देखा जाए तो रुक का रुक वाला जो पॉन होता है। आई होप तुम्हें अच्छा लगा होगा। प्लीज लाइक करना वीडियो को, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना अगर कोई नया देख रहा है यार। तो मिलता हूँ तुमसे अगले एंड गेम में, तब तक के लिए गुड बाय टाटा सी यू बाय।